हिताची फूड ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी मोहन थाल। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोहन थाल बनाने के लिए यहाँ हमें 2 कप भरकर बेसन लेना है। बेसन में हम मोहन के लिए 3 चम्मच दूध और 3 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम बेसन को अच्छे से हाथों से मिक्स करके इस तरह से दोनों हाथों से बेसन को रब करेंगे। इससे बेसन में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से हमारा मोहन थाल दानेदार बनेगा। सारे बेसन को एक बोल में भरेंगे और ऊपर से प्रेस करके आधा घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, बेसन को अब छान लेते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम सारा बेसन छान लेंगे। इस सारी प्रोसेस से बेसन हमारा दरदरा बनता है और मोहन थाल हमारा दानेदार बनेगा। अब हम गैस पर कढ़ाई स्लो फ्लेम पर रखकर उसमें 3/4 कप घी डाल देंगे और उसमें बेसन डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। चम्मच को लगातार चलाते हुए हम बेसन को रोस्ट करेंगे। दोनों चीजें मिक्स होते ही मिश्रण पतला हो गया है। इसी तरह बेसन को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, मिश्रण हल्का फ्लफी हो गया है। बेसन को हमें 8 से 10 मिनट और भून लेना है, जिससे बेसन को हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा। अब हम बेसन में दूध डाल देते हैं। यहाँ हमने 1/2 कप दूध लिया है। आधा दूध डालकर मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट मिश्रण को लगातार हिलाएंगे। अब बचा हुआ आधा दूध भी डाल देते हैं और इसे फिर से घी छूटने तक रोस्ट करते हैं। बेसन हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे हम साइड में निकालते हैं। बेसन को चम्मच से हिलाते हुए ठंडा करेंगे, जिससे बेसन नीचे से कढ़ाई गर्म होने के कारण जले ना। मोहन थाल सेट करने के लिए एक मोल्ड लेंगे, उसे घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब चाशनी बनाते हैं। मीडियम आंच पर पैन रख देते हैं, उसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और उसमें 1 कप चीनी डालकर चम्मच को चलाते हुए चीनी को मेल्ट करते हैं।
चीनी के मेल्ट होते ही एक चुटकी नमक, केसर के 10 से 12 धागों को पानी में भिगो कर रखा था वो डालेंगे, इससे मोहन थाल को कलर और फ्लेवर आएगा। अब हम एक तार की चाशनी बनाते हैं। 8 से 10 मिनट बाद चाशनी को चेक करेंगे। इस तरह से हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम बंद करते हैं। गरम चाशनी को भुने हुए बेसन में डालकर 2 से 3 मिनट अच्छे से मिलाएंगे। मोहन थाल के मिश्रण को ग्रीस किए हुए मोल्ड में डालेंगे और इवनली सेट करते हैं। सेट करने के बाद ऊपर से बादाम और पिस्ते की कतरन डालकर मोहन थाल को सजाएंगे। मोहन थाल हल्का ठंडा होते ही उसमें कट लगाएंगे और पूरा ठंडा होने के लिए रखेंगे। मोहन थाल अच्छे से सेट हुआ है। कट को हम शार्प करते हैं और मोहन थाल के पीसेस को निकालते हैं। मोहन थाल हमारा बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट ऑन बिलो। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।